जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको भी अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हो। देखिए, मैं बेहद मशकूर हूँ आपके चैनल का, और मैं आपके चैनल के तवसत से अपने पूरे मुल्क के किसानों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं, हम पुरअमन इस मुल्क के शहरी हैं, हमेशा हम पुरअमन रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जिस तरह पाक आर्मी के हम हमेशा शाना बशाना खड़े रहे हैं, और जिस तरह पाक आर्मी इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है और हम पुरअमन सो रहे हैं, इसी तरह हम इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह हम इस मुल्क के हर शहरी के लिए हर फसल उगा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में कोई शहरी भूखा ना सोए। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हम हकीकी वारिस हैं अलकासिबु हबीबुल्ला, ताकि हमारे इर्द गिर्द कोई किसान मजदूर भूखा ना सोए। हर किसी का ख्याल रखना चाहिए, और हम हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क के पूरे किसान मजदूर इकट्ठे हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं उनको मानने चाहिए। हमने कभी नजायज़ बात ही नहीं की, और हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी कोई नजायज़ मुतालबा हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये हम वो आवाज़ बुलंद करते हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत ने काम करता है, तो वो हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि एहतजाज पुरअमन हमारा हक है। अगर हमारे देखें बजट आ रहा है, तो इसमें अगर हमारे किसानों के मसाइल हल ना किए गए, हमारी खादें सस्ती ना की गई, जहर साजों के गिर्द गिरा तंग ना किया गया, इन वापडा वाले जिन्होंने महकमा तबाह कर दिया, जो असल लड़ाइयों झगड़ों का बांस बने हुए दफ्तरों में, इनको रिमूव यहां से ना किया गया, तो हम पुरअमन एहतजाज करने का हक रखते हैं, और इंशाल्लाह जून में भरपूर एहतजाज करेंगे। तमाम तार हालात की जिम्मेदारी फिर इस इंतजामिया पर होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं ज़िला वहाड़ी के मारूफ शहर बुरेवाला में मौजूद हूं, और आज मेरे साथ एक मारूफ शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो मरकज़ी सदर हैं मलक ज़ुल्फ़िकार अवान साहब। नाज़रीन, अगर बात की जाए किसानों की, तो पूरे पाकिस्तान में दो नाम जो हैं वो बड़े फ़ख्र से लिए जाते हैं, जिनमें से एक है चौधरी अनवर साहब और दूसरे हैं मलक ज़ुल्फ़िकार अवान साहब, जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर हैं। आज मेरे साथ वो मौजूद हैं, उन्होंने आज मुझे टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। आज उनके साथ जो किसानों के मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आज यहाँ पर हमारे दफ्तर में आए हैं। हम आपको तह दिल से आपके मशकूर हैं, और हमेशा आप हमारी आवाज़ बने हैं किसानों मजदूरों की, ये मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं। देखिए कसूरी साहब, मसाइल तो हमारे इतने ज़्यादा हैं कि मैं सुबह तक बयान करता हूं, ख़त्म नहीं होते, किसी एक तरफ से शुरू हो जाएं। मसलन पहला आजकल बीज का मसला ले रहे, तमाम ज़िली इंतज़ामिया सूबा पंजाब की तमाम ज़िली इंतज़ामिया इनके साथ मिल जाती है। ये मकई का हाईब्रिड बीज जिसका रेट 7500 से 8000 तक है, हमें 14000 में मिल रहा है, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। इन मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनियों की मोनोपोली या कोई पूछने वाला नहीं है। यही हाल ज़रिए अद्वियात का है। ये हमारा ज़िला काटन किंग के नाम से मशहूर था, यहाँ पर काटन का नाम निशान नहीं रहा। जाली बीज माफिया, जाली सीड माफिया ने इस फसल को ख़त्म कर दिया है, और हुकूमत बड़े दावे करती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई तरजीहात में इनमें शामिल ही नहीं है। आज तक इन्होंने कोई कानून ही नहीं बनाया कि जाली बीज बेचने वाले को, जाली खाद बेचने वाले को ये क्या सजा देंगे। ये ऊपर तक मिले हुए इनकी मोनोपोली है, और आज ये आज अभी अभी मुझे पता चला है कि ये जो असम्बली में बिल पास हुआ शुगर माफिया का, देखें ये तो पहले किसान को तबाह बर्बाद कर रहे थे। जी एक शुगर मिल थी वो दूसरी साल में बना लेता था, किसानों को आज तक पैसे नहीं दिए।
और ये 15 दिन के बाद उन्होंने देना होता जब कानून बनाया, तो अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, वो पहला ही लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी तरह दवाइयों का सिलसिला था, ये महकमा तो ऐसी ख़त्म कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा या ज़्यादा डर तो था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और अब खाद बीज हमारी पहुँच से बाहर हो चुका है। और देखें सबसे जुल्म की बात, कसूरी साहब, एक मुल्क में रहते हुए सूबा पंजाब में गंदम का रेट 1800 और सिंध में 2000, बलूचिस्तान में 2000, ये कैसे हुकूमत चला रहे हैं मुझे तो इनकी समझ नहीं चलती। और अब जब हमारे किसान से गंदम ख़त्म हो चुकी है, ये भी मुझे आज ही पता चला है कि ये पास्को ने 85 रुपये रेट बढ़ा दिया है, तो अब रेट बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? हमने एहतजाज किया था, हमारे किसान ने इस मामले में शहादत दे दी। आपको पता होगा कि उस वक्त इन्होंने हमसे 1400 में गंदम खरीदी और लोगों को 2200 में दी, तो हमारा उस वक्त यही मुतालबा था कि अब लोगों को आटा 1400 के हिसाब से दो, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आगे जो नया काम किया, अब यूरिया जो है ये जो 1400 वाली थी अब हमें 2700-2600 में मिल रही है, DAP 2400 वाली थी वो अभी 5800 में आज हो गई है। तो ये कहाँ हुकूमत की रेट, अपनी मर्जी से धीमी लोगों को, किसानों को कमरों में बिठाते हैं, अपना कानून मर्जी का पास करके लागू कर देते हैं। हम ऐसे हरबे इनके इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। ये हुकूमत को हमने वोट दिए थे, हम इमरान खान आपको लेके आए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ की तो आपने वादे किए कि मैं किसानों की बात करूंगा, तो क्या आपकी जबान सुमन बुकमन हो गई है, अब किसान आपको नज़र नहीं आता? तो वहाँ पे अगर आप कपड़ा ख़रीदने जाएंगे किसी क्लॉथ हाउस पे, तो वहाँ पे वो सबसे पहले आपको दुकानदार जो है वो दिखाएगा, लो जी ये बुरे वाला की कॉटन है, ये बुरे वाला का मशहूर ये वाला कपड़ा है, ये प्रोडक्ट जो है ये बुरे वाला की है। लेकिन बुरे वाला का नाम तो चल रहा है हर जगह पे, लेकिन जैसे ये मलिक साहब का कहना है कि बुरे वाला का सिर्फ नाम ही रह गया है, प्रोडक्ट नाम जो है वो आज तक चल रहा है, लेकिन इनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा सब मुझे आप ये बताएं कि गुज़िश्ता दिनों आपके एक किसान भाई ने शहादत भी, स्ट्राइक थी, आपका एहतजाज था, वो चल रहा था, तो वो जो मौजूदा हुकूमत है उसने, गवर्नमेंट ने आपके साथ वादे वाइद भी किए थे, तो उस पर कितना वो अपना उन्होंने पासदार की है, अमल दरामद कितना होगा अभी उस उन वादों पर? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये हुकूमत तो हर दफा वादे करती है, और पिछली हुकूमतों को कहते हैं वो चोर थे, वो डाकू थे, कम से कम वो बात करते थे, उसका कोई ना कोई पास होता था। ये हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, इन्होंने हमारे साथ किसान मंडियों का वादा किया, वजीर आला ने बकायदा उसकी नोटिफिकेशन की, हमारे पास मौजूद है। उसमें करना क्या था कि ये जो मिडल मैन किसान को लूट रहा है, कि वहाँ जाकर खुद किसान अपनी जिन्स को बेचता और ख़ुद वहाँ से अच्छी प्रोडक्ट लेके आता, वहाँ हम उनसे रिटर्न वादा लेते कि अगर तू वहाँ पर कोई जाली खाद बेचेगा, जाली बीज बेचेगा, जाली जरविया अद्वियात बेचेगा, तो वो किसान का नुकसान भरने का जिम्मेदार होगा। ये मंडियों का मकसद था, और वहाँ जाकर खुद बंदे अपनी सब्जियाँ बेचते, फ्रूट बेचते, चाहे मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो जाए। मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, वज़ीर आला के सैन है उसके ऊपर, आज तक कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हमारे कायद के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू किया था, उन्होंने ज़मीन मांगी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम वो किसानों गूंगे बैरों की जंग लड़ रहे हैं जिनका कोई बात ही नहीं करता था, और ये धीमी लोगों के साथ अंदर बैठ के जो मीटिंग करते हैं ये किसान को तबाह कर रहे हैं। जब तक एक मुल्क का किसान खुशहाल नहीं हो जाता, कसूरी साहब, ये मुल्क खुशहाल नहीं होगा। यह सिलसिला चल रहा है कि एक दफ़ा एक तरफ तो वो कह गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जो किसान है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी के बराबर है, और दूसरी तरफ वो आपके साथ वादे वाइद करने के बाद आपको लॉलीपॉप देकर खामोश करवा कर फिर उस पर स्पेस आ जाती है, फिर उस पर टाइम हो जाता है, आप फिर दोबारा मजबूर हो जाते हैं कि आप स्ट्राइक करें, और स्ट्राइक करके आप अपनी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाएं, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या वजह है कि ये जो गवर्नमेंट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो साबका हुकूमत थी उस वक्त भी आपको यही प्रॉब्लम्स थी, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है अभी भी आपको यही प्रॉब्लम्स है, आप क्या समझते हैं कि ये आपके साथ जो वादे वईद किए जाते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? देखिए असल वजह पता क्या है, ये कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी अगर ऊपर वाली कहीं चोट लग जाए तो ऊपर का हिस्सा जिसमें मफलूज होता है, नीचे लग जाए नीचे का मफलूज होता है, तो इन्होंने तो पूरा मुल्क मफलूज करके रख दिया है। हर बंदा परेशान है, किसान नहीं, अब तो मैं कहूँगा कि हर तबका फिक्र का बंदा इंतहाई परेशान है।
लेकिन इनकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं है। ये अपने इर्द गिर्द ये जो चोर डाकू निकाले हुए थे, ये कहते हैं पीपल पार्टी चोर है, नून लीग वाले चोर हैं। मैं कहता हूँ ये दो उन्होंने चोर निकाले हुए थे, ये इमरान खान अपने दाएं बाएं लेके बैठा हुआ है, तो ये कैसे हमारे मसाइल हल करेंगे? ये इन सोच में ही शामिल नहीं है। जब ये इलेक्शन आएगा तो फिर आ जाएंगे, तकरीरें करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपके सामने आप चूँकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान से रिलेटेड हो, इन्होंने आज तक किसान का कोई मसला हल किया ही नहीं है। पिछली चोर हुकूमतें कम अज़ कम हमारे साथ मजाकरात करती थी, हमारे आधे मसले वो हल करते थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, ये तो तरीके इंसाफ वाले लोग हैं, तो इन्होंने आज तक हमारा एक मसला भी हल नहीं किया, बल्कि किसान के लिए मसाइल ही पैदा किए हैं बजाय उनके बेहतरी की तरफ आने के। और अगर मैं एक एक महकमे का आपको बताना शुरू कर दूँ तो सुबह तक बताता रहूँगा। इनके इतने मसाइल हैं, वापडा को ले लें कि वापडा ने इस मुल्क को, इस मुल्क के किसान को, अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मांगने पे लगा दिया। ये हुकूमत ने ये बना ली कि हर बंदा मांगने पे आ जाए। एवरेज डिटेक्शन ने हर किसान मजदूर का जीना मुहाल कर रखा है, मीटर ख़राब हो जाता है ये इनका। देखें अगर हम बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो उस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि तराजू रखी हो उसमें हमें वो चीज़ तोल के दे के कितने किलो है, तो जब मीटर ख़राब हो जाता है तो ये महकमे की जिम्मेदारी है चेंज करना। तो ये इतनी जितनी इनकी चोरी होती है, और हर मैं बुरे वाला की मिसाल देता हूँ, बुरे वाला में तीन चार बंदे बैठे हुए हैं, मीटर रीडर के लेवल के हैं, लैंडमैन हैं, उन्होंने अपने महल बनाए हुए हैं, दफ्तर में पूरे को यर्मगाल बना के रखा हुआ है, और अपने घरों में मिनिस्टर ग्रिड स्टेशन बना रखे हैं, बिजलियाँ बांट रहे हैं, एसी चल रहे हैं, कोई बिल नहीं दे रहे, और जितनी महकमे की चोरी है वो गरीब आवाम के ऊपर डाल देते हैं, एवरेज की शक्ल में, डिटेक्शन की शक्ल में, मीटर चेंज नहीं करते। जिनकी जिम्मेदारी है छः छः महीने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मसल मैं हूँ, मेरे पास 20 एकड़ मैंने मक्की काश्त की हुई है, और मेरा अगर मीटर ख़राब हो गया, मीटर ख़राब होने से पहले तो मुझे लगातार 3,350 यूनिट आ रहा है, तो जब मेरा मीटर ख़राब हो गया तो इन्होंने 8,509,000 यूनिट मुझे डाल दिया। मैं इन पागलों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मैंने 10 दिन के लिए एक मरबा रकबा ज़्यादा खरीद लिया? ये सारी इतनी जो चोरी है ये किसान मजदूर के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से डालते हैं। फिर मीटर ख़राब हो जाने की चूक में एवरेज डिटेक्शन के अलावा लोगों के ऊपर FIR भी डालते हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं, और ये हुकूमत को इसका नोट्स लेना चाहिए। अगर हुकूमत, मैं वज़ीर आज़म से ये अपील करता हूँ, वज़ीर पानी बिजली से, कि ये चार चार बंदे जो दफ्तर में इस तरह के बैठे हुए हैं 20-20 साल से काम नहीं करते, और हुकूमत की सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करके हुकूमत के खिलाफ भी इत्तेजाज करते हैं, इनको क्यों नहीं बरतरफ किया जाता? 10-10 दिन दफ्तर में नहीं आते, इनकी क्यों नहीं गैरहाजिरी लग जाती? ये हुकूमत को ऐसे अपने एक्सियन को, चीफ को, सेक्रेटरी पर यरगमाल बना के रखा हुआ है, तो कैसे ये महकमा चलेगा? हम इंशाल्लाह अगर ये हुकूमत ने नोट्स ना लिया तो इस करप्ट महकमा के खिलाफ हम अनकरीब जून में भरपूर एहतजाज करेंगे, और तमाम तरह हालात की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। इसको मैं तो एक माफिया मैं कहूँगा कि ये अगर वो किसान जो ग्रुप है, किसान इत्तेहाद अगर वजूद में नहीं आता तो ये तो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे। अभी तो आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, इनके ऊपर बड़ी सख्ती की है, अपने इत्तेहाद की हैसियत से, ग्रुप की हैसियत से आपने किसानों ने वाहद ऐसी जमात है किसान इत्तेहाद कि जिसने जो वापडा मुलाजमीन हैं उनको नथ डाली हुई है। मैं समझता हूं कि अभी तो आपने बड़ा कंट्रोल किया हुआ, लेकिन फिर भी ये आपके आपको जो आपका हक है वो आपको नहीं मिल रहा, उसकी वजह? जी आपने देखिए बहुत अच्छी बात की और इतना अच्छा सवाल किया, इसकी ज़रूरत थी इस वक्त। देखिए हम इनकी चोरियाँ, इनकी करप्शन जगह जगह बता चुके हैं, अफसोस की बात है कि हम इनके अफसरान बाला तक बता चुके हैं, लेकिन इस महकमे में कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वापडा चेयरमैन से लेकर लैंडमैन तक ये मिले हुए हैं, ये सारे इस महकमे को तबाह बर्बाद। देखें अगर और किसी भी महकमे में छोटी सी करप्शन अगर यहाँ कर दी जाए तो उस बंदे की शामत आ जाती है, उसकी इंक्वायरियाँ होती हैं। हम इनके खिलाफ नैब में भी गए हैं सबूत लेके, FIR में ले गए हैं, लेकिन इनका इस तरह की मोनोपोली चीफ से लेकर मीटर रीडर तक, देखें मीटर रीडर की क्या औकात है ग्लैंड मैन की, वो एक्शन उसके आगे बोल नहीं सकता। औकात तो देखें ना, वाकई औकात नहीं है, लेकिन अगर आप मीटर रीडर उसको विजिट करेंगे तो उसके जनाब उसने इतनी ज़बरदस्त कोठियाँ बनाई हुई हैं, उसके घर में चार चार AC लगे होंगे, तो वो देखने को ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी बंगलों में आ जाता है, होता वो मीटर रीडर देखे ना, उसके आखिर करप्शन जो है वो नज़र आती है कि ये करप्शन कहाँ पर जा रही है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी ज़्यादा लाखों यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एक एक महीने में बेचते भी हैं, इनके लिए भी महकमे को कुछ करना चाहिए। हम तो इनकी चोरियाँ
बता रहे हैं, ये कोई ऐसा एक फोरम बनाए जिसमें एक महकमा माल का बंदा हो, एक किसी और पुलिस का बंदा हो, एक किसान का नुमाइंदा हो, ये इनके घरों के जाके मीटर चेक करें, इनके ट्यूबलों के जाके चेक करें, इनको फैक्ट्रियां बना रखी जाके चेक करें, ये कोई बिल देते ही नहीं है। हमने सीओ, मौजूदा सीओ मुल्तान को कई दफ़ा इनकी चोरियां पकड़ के दी हैं, इनके मीटर बकायदा जाके तस्वीरें दी हैं, कोई बात ही नहीं, कोई एक्शन नहीं होता। उसका सारा रद्द अमल गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है, जो चोरी बेचारा नहीं भी घर देखिए, आजकल इतने हालात हैं कि लोग बेचारे एक पखा अपना चलाते हैं, एक बल्ब और हर चीज़ बंद करके रखते हैं, और ये सारी एवरेज डिटेक्शन उनके ऊपर डाल रहे हैं। जितनी इनकी अपनी चोरी या करप्शन है वो किसान के ऊपर डिटेक्शन एवरेज की शक्ल में डाल देते हैं। और इनके देखें ये क्यों नहीं है इसका हल हो सकता, ये अपनी एक कमेटी बनाएं और आज ही ये शुरू करें, और ये अरबों एक पाकिस्तान में अरबों यूनिट पकड़े जाएंगे जो ये ग्रेड स्टेशन बना के एक एक लैंड मैन जो ये बंदे चार चार हर दफ्तर में बैठे हों यूनियन के, अपने घरों में लोगों को दो दो हज़ार में कलेक्शन दिए हुए हैं, अपने घरों में 24 घंटे AC चल रहे हैं। आम किसान जो एक पखा बेचारा चलाता है वो इसका बेल नहीं दे सकता, तो ये हुकूमत को इसका नोट्स लेना चाहिए। अगर ये मुल्क बचाना है, ये महकमा बचाना है, तो इनका सदेबाब करना चाहिए, इनको लाजमी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वापडा सेक्रेटरी, वापडा का वजीर, वापडा का चेयरमैन, मैपको, ये सब ऊपर से लेकर आखिर तक मिले हुए हैं, ये क्यों नहीं इस बात के एक्शन लेते। तो मैं ये आपके फोरम से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इनको फौरी तौर पर इनका एहतसाब किया जाए, जहाँ जहाँ पर इनकी बदनवानी करप्शन है क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। जब ये दफ्तर नहीं आते इनकी गैर हाजिरी लगे, जब ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं तो इनसे पूछा जाए। अगर इन्होंने सियासत करनी है, अगर किसानों के साथ लड़ना है, दे दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये दफ्तरों में 20-20 साल से एक जगह पर बैठे हुए हैं, अपनी जाति मुखालफतें अपने जाति ना के लिए लोगों के ऊपर मुकदमे जूठे करते हैं, उनके ऊपर एवरी डायरेक्शन डालते हैं, तो फिर हर महकमा ये कहता है, ये सरकारी महकमा, इसके साथ पुलिस भी इस्तेमाल होती है, रेवन्यू का महकमा भी इस्तेमाल होता है। तो ये मेरा हुकूमत से सबसे अहम और पहला मुतालबा है, जिसकी वजह से आए दिन एहतजाज होते हैं, आए दिन शहरों में बदमनी होती है, इंतजामिया परेशान होती है, क्यों नहीं इनके एहतसाब किया जाता। मेरा फौरी तौर पर ये बार बार मैं 4-5 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म को नोट्स लेना चाहिए, जो बहुत बड़े तरीके इंसाफ के मेरिट के दावे करता है, इनको ये वापडा में ये करप्शन नज़र नहीं आती, इनको ये ख़त्म होनी चाहिए इनकी करप्शन, जो 6-6 साल से 10-10 साल से 15-15 साल पे एक सीट पे बैठे हैं। क्या ऐसा कानून है किसी सरकारी महकमे में कि 20 साल तक बंदा एक सीट पे बैठा रहे, तो वो जर्गमाल बनाते हैं पूरे महकमे को। इसलिए इस महकमे में करप्शन ना ख़त्म होनी है ना होगी जब तक ये एक्शन नहीं लेगा। लेकिन हम हर फोरम पर इनकी ये करप्शन वाजे करते रहेंगे, हुकूमत को बताते रहेंगे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हुकूमत ने इसका एक्शन ना लिया तो ये हुकूमत चली जानी है, लेकिन इनकी ये हुकूमत भी बदनवानी में बराबर की शरीक होगी। बिल्कुल जी, जो मलक जुल्कार साहब ने बात की है, इनके जज्बात हैं, क्योंकि वजह यह है कि इनको आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई, किसानों का आज तक इनका इनको हक नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर पानी व बिजली हैं, उनके उनको उनके साथ इनका मुतालबा यही है कि ये जो वापडा जो है, वापडा मुलाजमीन हैं, इनको बिल्कुल चेक किया जाए, और उसके बाद जो इनके ट्यूबवेल्स के बिल्स वगैरह हैं उन पर नज़रसानी की जाए। ये तो अपने हक के लिए बोलते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिल देते नहीं या हम बिजली, हमें बिजली चोरी करने की इजाज़त दो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनका सिर्फ मकसद ये है, ये अपने हक के लिए बात करते हैं कि हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसका बिल डाला जाए, हमें जो हमारा हक बनता है हमें वो दिया जाए। लेकिन लेकिन अभी तक जो हुकूमत ने किया है वो यही किया है कि इनको अपना हक मांगने के बजाय इनकी FIR इंदराज की जाती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है वज़ीर पानी बिजली जो हैं उनके लिए, और जो लेस्को है, बहुत बड़ा सवाल है कि इनको अपना हक मांगने के बजाय इनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। मलिक साहब, मुकदमात तो आपके कसीर तादाद में इंदराज होते हैं जो गरीब किसान हैं उनको, तो अभी आप उसका फिर लाहेमल क्या बनाते हैं? जी देखिए, बात यह है कि हम ना बिजली चोर है ना चोर के साथी हैं, बल्कि हम इनकी चोरियां पकड़ के महकमे को देते हैं। हम जो महकमे बिजली की चोरी करता है वो उसका मुल्क के साथ अलग ही नहीं है, वो तो मुल्क दुश्मन बंदा है, और हम रेगुलर बिल दे रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये अदारे हमारे हैं। लेकिन देखिए, दुख उस वक्त होता है कि हमारे ही टैक्स, हमारे ही पैसे, देखिए हम पूरे मुल्क को हर चीज़ मुहैया करने वाले लोग हैं, लेकिन हम ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं।
तो ये जो मुकदमात होते हैं ये इसलिए करते हैं कि जिस बंदे का मीटर ख़राब हो जाता है उसको एवरेज भी डाल देते हैं, डिटेक्शन भी डालते हैं, फिर जाके उससे अपना नजराना मांगते हैं, जो नजराना ना दे उसके एफ आई आर देते हैं। ये कहाँ का कानून है? ये तो उल्टी एफ आई आर वापडा के मुलाजिम पे होने चाहिए कि अगर मीटर ख़राब हो गया आपको इतला दे दी गई या आपने क्यों नहीं चेंज किया, तो बजाय इसके वापडा के ऊपर एफ आई आर होने के, अगर उसको नजराना ना मिले, वो पाँच छः बंदे हर दफ्तर में रखे हुए हैं उन्होंने, जो अपना वहाँ दफ्तर बना के एक्सीएम के ऊपर मीटर रीडर बैठा हुआ है, तो वो अगर उनको रिश्वत नहीं दी जाती, क्योंकि हम हक सच वाले लोग हैं, हमने अपना हक किसी को देना नहीं, किसी का हक हमने लेना नहीं है, हम इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं, तो जब इनको वो नजराना नहीं देते उसकी एफ आई आर कर देते हैं, तो फिर वो एफ आई आर अखराज करने के लिए देखें, जब एफ आई आर काट दी जाती है तो ये कहते हैं कि जी सरकारी एफ आई आर है, फिर उसके लिए एहतजाज करना पड़ता है। हम चूँकि इस मुल्क के शहरी हैं, हम चोर नहीं हैं, तो जब वहाँ तहकीक होती है तो ये वापडा वाले चूटे होते हैं, एफ आई आर खराज हो जाती है। ये एफ आई आर इसलिए की जाती हैं ताकि इनकी कोई चोरी की बात ना करे, इनके आगे बोले ना, इनकी फरौनियत कायम रहे। तो मैं इस आपके फोरम से पुलिस से भी ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये झूठे जो मुकदमात किसानों के ऊपर करते हैं, खुदा रहा इनका साथ ना दें। आप इस मुल्क के शहरी हो, आप किसान हो, ये डाकू जो हैं ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क के किसान को, मुल्क के मजदूर को, हर तबका फिक्र के बंदे को ये हरासा परेशान उन्होंने करके रखा हुआ है। और मेरी आपके चैनल के तवसत से ये हुकूमत से मुतालबा है कि ये हमारे मसले नहीं हैं, इसके अलावा शुगर माफिया ने हमको तबाह कर दिया, जाली बीज ने हमारा सत्यानाश कर दिया, जाली खाद वाले ने, ये इनके भी कानून बनाए ताकि जैल साज को सजा मिले। जब तक सजा नहीं मिलेगी इनको ये रुकेंगे नहीं। लेकिन अलमिया ये है कि हर ज़िले की जो डीसी साहब भी कह लें, मैं तो वही कहूँगा इंचार्ज वो है, तो ये उनकी मुनाफनी उनके साथ हो जाती है। क्यों नहीं ये डीसी साहबान ये लेटर लेकर ऊपर वजारतों को भेजते कि इनका कानून बनना चाहिए, जेल साथ को सजा होनी चाहिए। हमने मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए बहुत एहतजाज किए, लेकिन इन सब ने चूंकि ये हुकूमत में यही लोग बैठे हुए हैं, जाली खाद वाले, जाली बीज वाले, जाली जो पेस्टिसाइड वाले, ये सारा माफिया ऊपर बैठा हुआ है। और यहाँ असम्बली में देखे, मैं कसूरी साहब आपको बड़ी टेक्निकल बता दो, ये वहाँ पता क्या बात करते हैं, ये कहते हैं किसान बहुत फायदे में है। देखें जितने एमपी एमएनए बैठे हुए सारे किसान हैं ना, बहुत बड़े बिग लैंड लॉर्ड हैं, तो ये अपनी जितनी अरबों की करप्शन है जिन्हें ज़मीन में छिपाते हैं, वहाँ कहते हैं हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, हालांकि ज़मीन में काश्तकारी में कुछ नहीं बात होता। ये वहाँ असम्बली में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इन्होंने तो और कोई काम करना ही नहीं है, अपनी सारी करप्शन ज़मीन में छिपाते हैं। ये आए ग्रास रूट लेवल पर हमसे पूछें कि हमारे क्या मसाइल हैं, हमारी क्या मुसीबतें हैं, लेकिन ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। साहब का जो मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, देखें उनके जज्बात यही हैं, उनका उनका सवाल, उनका हक, अपने हक के लिए उनका जो मुतालबा है वो यही है कि हम किसान हैं, हमें कुछ भी नहीं बच रहा, हम मेहनत भी करते हैं, हम अपना पसीना जो है वो ज़मीनों में शामिल करते हैं, लेकिन हमें फिर भी हमारा हक नहीं मिलता। ये जो एक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब जो हैं उनकी क़यादत में ये जो एक तंजीम है, ये तंजीम बहुत ऐसी तंजीम है जिसने मज़लूम, मैं तो मज़लूम कहूँगा किसानों को, कि जिसने मज़लूम किसानों के लिए आवाज़ उठाई, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उनको आज तक अभी तक इनको मायूसी ही मिली है और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर ये कह सकें कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने इनको फैसिलिटीज़ दी हैं। इमरान खान साहब बार बार वो एनआरओ की तो बात करते हैं कि अगर कोई भी बात करता है, सवाल करता है, तो वो कहता जी, वो कहते हैं कि लो जी मैं एनआरओ नहीं दूँगा, मैं एनआरओ नहीं दूँगा, लेकिन इनका मुतालबा है यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इनका मुतालबा है वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से, इनका मुतालबा है वज़ीर जो पानी व बिजली हैं उनसे कि खुदारा इनका जो हक है इनको इनका हक मिलना चाहिए। ये जो मज़लूम किसान जो है उनकी आवाज़ बनकर ये जो मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये अपने जो मज़लूम किसान हैं उनके हक के लिए बात करते हैं वो, और जो जो इनका हक बनता है ये उसी पर बात
बात करते हैं और कहते हैं, इनका मुतालबा है कि हमें खुदारा हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ये तो बात हो रही थी बिजली और वापडा पे, तो अभी तो इनका जो शुगर वाला मामला है, इनकी मलिक साहब आपकी जो पेमेंट थी शुगर माफिया, जो एक बहुत बड़ा माफिया है शुगर मिल्स के हवाले से, अभी तक वो गवर्नमेंट ने वो भी आपको आपके साथ वादे किए थे कि आपको रिटर्न होगी आपकी जो पेमेंट जो ब्लॉक हुई हुई है, रुकी हुई है पेमेंट आपकी, वो बात कहाँ तक? देखिए मैं पहले बात वही कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ा माफिया हुकूमत में यही बैठे हुए हैं। ये पिछले दो साल पहले एक एक्ट पास हुआ था और अभी तीन चार दिन पहले उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है। जो बंदा एक मेल बनाता था, हमारे किसानों का पैसा दबा के बैठ जाता था, उन पैसों से आगे नई मेल लगा लेता था, हमको पैसे नहीं देता था। आज भी जंग में मेरे किसानों के करोड़ों के हिसाब से पैसे, कसूर में करोड़ों के हिसाब से पैसे रुके हुए हैं। तो पिछले दिनों के एंटी करप्शन ने बहुत सारा इसमें दिलचस्पी ली और कुछ लोगों को पैसे दिलवाए, और अब भी बहुत सारे लोगों के पैसे बाकी हैं। और अब ये पिछले दिनों एक कानून बना था जिसमें हमने एक दो चीज़ों का इजाफा करवाया था कि अगर ये मोनोपोली से मिलने बंद कर तो हुकूमत गन्ना उठाए। तो अब मुझे अभी अभी पता चला है कि जो असम्बली ने वो एक नया ड्रामा कर दिया, वो पिछला ही एक्ट बहाल कर दिया, उससे फिर किसान रुल जाएंगे। और ये मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि हम मुतहद हो गए हैं किसान पूरे मुल्क के, तो ये अब हमें मजीद हरासा परेशान करेंगे तो हम गन्ना काश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल कहाँ जाएंगे ये मिलने वाले। हम मजबूरन, आप देखें गंदम की क्या पोजीशन हो गई है, ये इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से। हम चाहते हैं कि गंदम लोगों को 1200 में मिले, कम से कम हुकूमत की जिम्मेदारियों में बिजली, सबका चोर हुकूमत ने 5 रुपये यूनिट दिया हुआ था, इन्होंने 14 रुपये कर दिया है। पिछली हुकूमत चोरों की, हमें यूरिया जो था वो 1800-1600 में मिल रहा था, DAP 2400 में मिल रही थी, आप देखें कितना ज़मीन सामान का फ़र्क हो गया। तो हम नहीं चाहते कि आम शहरी के लिए आटा महंगा हो, लेकिन ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से, डिप्लोमेटिक पॉलिसी देखें, एक सूबे में रेट और दूसरे में और, ये चाहिए हुकूमत को कि जब ये पॉलिसियाँ बनाते हैं तो ये पाकिस्तान किसान ताद को ऑन बोर्ड लें, हम इनको बताएं असल मसले क्या हैं, लेकिन ये अपनी जमा तफरीक की पॉलिसियाँ बनाते हैं। हम ये बार बार इनको बता रहे हैं कि देखें पिछली हुकूमतें भी इसी वजह से ख़त्म हुई हैं, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, अब इस हुकूमत ने भी हमारे किसानों के ऊपर अपना हक मांगने के लिए तशद्दुद किया, हमारे बंदे को शहीद किया, हमसे पैसे छीने, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इंशाल्लाह ये जो जुल्म है ये एक ना एक दिन रुकना है इसने, और हम इसके खिलाफ शीशा पलाई हुई दीवार बनेंगे। हम शहरी हैं, इस मुल्क के हकीकी वारस हैं, लेकिन इनको कोई पता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम दूध बंद कर देंगे तो सब पूरे मुल्क के बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनको पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, हम इस मुल्क के हकीकी वारस हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो इनका जीना बार, इनका मरना बार, इनके बार बच्चे बार हैं, शादियां इनकी बार हैं, हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। वो जो लोग थे वो जो कह रहे थे जो डैम हम आपके लिए बनाएंगे तो डैम की रकम भी आ गई, सब कुछ हो गया, अभी तो मेरा ख्याल वो उनका कोई साया भी था नजर नहीं। देखिए ये आपने बहुत अच्छा किया, ये हुकूमत को भी पता है कि हम एक बहुत बड़ी रैली एहतजाज यहाँ मुल्तान से शुरू किया, बरासा लाहौर इस्लामाबाद जाकर एहतजाज किया इस डैम के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मसला इन सब मसाइल के अलावा पानी का मसला होगा। तो वहां पर हमने एहतजाज किया तो साकिब निसार साहब ने हमारे एहतजाज में सपोर्ट एक्शन लिया और डैम बनाने का वादा किया। हम वहां पर बकायदा गए, हमें नोट्स आए तो हम गए, वहां ऐलान किया गया, हमने अपने बच्चों के जो फीसों के पैसे थे वो भी उनमें चंदा में लोगों ने दिए, तो इन्होंने वो कहां गए पैसे, कहां गया डैम। तो ये बात सिर्फ किसान को, अवाम को, मजदूर को ज़िबा कर रहे हैं, मिसाइल इनकी तरजियात में शामिल है, क्यों नहीं डैम आज तक बने? मैं साकिब निसार साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ गया डैम? आप तो कहते थे मैं वहाँ झुग्गी डाल के बैठ जाऊँगा, तो अब आपने जाके कैनेडा में झुग्गी डाल ली है। तो हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, तो ये हुकूमत को चाहिए, ये मेरा जाती मसला नहीं है डैम, ये पूरे मुल्क की बका का मसला है, तो इनको बनाने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। देखिए आज हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, ना कोई डैम बना, ना कोई रोड बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई स्कूल बना, और महंगाई 80% ज़्यादा हो गई है। आम गरीब बंदा अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की दवाई नहीं खरीद सकता, तो जाएं कहाँ? हम किसान कहाँ जा कर रोएं, किसको अपने मुतालबे बताएं? हमारे दुख इतने हैं, हम चार चार दिन बोलते रहे ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है हर शहरी को बिजली गैस पानी देना उसकी हैसियत के मुताबिक, लेकिन हर चीज़ हमारी औकात से बाहर है। तो ये हुकूमत क्या सोई हुई है? कसूरी साहब आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते हो, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, लेकिन देखें ये जाएं कहाँ, किसको जाके बताएं? क्या इनको पता नहीं है ये जो मैं मसले बता रहा हूँ? इनको पता नहीं है, इनको सारा पता है, और ये सब मिले हुए हैं,
ये क्यों नहीं इनके मसले हल करते, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है और पिछले इलेक्शन का जो करोड़ों रुपया लगाया अगले इलेक्शन से पहले इन्हें डबल करने हैं, वो हमारा खून पसीना निकलना है, तो फिर जब वक्त आ जाता है हमें ज़िबा करके चले जाते हैं। और इंशाल्लाह हम किसानों की आवाज़ बने हैं और मैंने याद किया हुआ है, जब तक इंशाल्लाह मेरे जिस्म में जान है मैं किसानों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, और कभी भी किसानों के हकूक़ की खातर अगर मैं मरना पड़ा तो मर जाऊँगा लेकिन हकूक़ से पीछे नहीं हटूँगा, ये मेरा आवाम से किसानों से वादा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो पाकिस्तान के हैं, तो ये मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब का ये बहुत बड़ा सवाल है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये उनको बताना पड़ेगा कि इनका कसूर क्या है, क्या ये अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, इनका ये कसूर है कि ये अपने अपना हक मांगते हैं, इनका ये कसूर है कि ये सच और हक पे बात करते हैं, इनका ये कसूर है कि ये जो अपने पसीने की जो मेहनत है, जो अपने जो ये ज़मीन से ये उगा कर अपनी मेहनत करते हैं और उसकी जो जो जितनी जिंस होती है, जितनी सब्जियां हैं, गंदम है, इस तरह की मकई है, इस तरह की जो अजनास हैं वो हम तक पहुंचाते हैं, क्या इनका ये कसूर है? ये आपको जवाब इसका देना पड़ेगा कि ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। अच्छा मलिक साहब, पड़ोसी मुल्क जो है उसने भी जो उसके जो किसान हैं बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी, उन्होंने तवज्जो दिलाई थी अपनी तरफ कि हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, आप अपने हक के लिए उठे हुए हैं, हम अपने हक के लिए उठे चल रहे हैं, तो हम लोग मिलजुल कर इस ये जो माफिया है, करप्ट तरीन माफिया है आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, तो इस पर हमें मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर क्या? देखिए मैंने बकायदा इस पर प्रोग्राम किया था और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हम इजाज़त मिले तो हम वाघा बॉर्डर रस्ते उनकी मदद के लिए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखें वो किसी मजहब से क्या उन तल्लुक, किसान जो है इसमें हर मजहब के लोग, वो किसान थे, उनके जायज मुतालबा थे, और हम किसान पूरी दुनिया के किसान जो हैं इनका एक ही मकसद है कि अपने मुल्क के हर शहरी को खाने की चीज़ें जिसमें फ्रूट है, सब्जी हैं, दालें हैं, हर चीज़ मुहैया करना, तो देखें वो किसान थे, उनके जो जायज मुतालबा थे उनके हुकूमत को मानने चाहिए थे, और जब तक उनके मसले हल नहीं होते तो उनके हम जहां अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह यहां अपने पाकिस्तान में भी एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, क्योंकि वो अपने हक पे हैं। और इस तरह जब हमारा इन्होंने बंदा शहीदी किया था तो वहां इंडिया वालों ने आवाज़ उठाई थी, हर चैनल पे ये बात हुई थी, तो ये हुकूमत जो मुल्क की हुकूमत होती है उसके लिए शर्मिंदगी क्या बात होती है, क्योंकि किसान असल वारस होता है उस मुल्क का, अगर उसको ये इग्नोर हुकूमतें करेंगी तो ये मुल्क कैसे चलाएंगी। बार बार वही बात करनी पड़ती है कि एक तरफ तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी को ये खुद ही तोड़ देते हैं तो कैसे जिस्म चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा। तो मैं बार बार ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं और ये हुकूमत हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मसले हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हम बार बार एहतजाज करके इनको बताते हैं, इनको खुद देखिए ये खाद में कितनी बड़ी ये लूट मार कर रहे हैं, खाद एक वह चीज़ है जो ज़मीन में इस्तेमाल होनी है, तो उसमें इन्होंने अरबों रुपए के हिसाब से एक टोकन सिस्टम रखा हुआ है, वो भाई टोकन का किसी को पैसे नहीं मिलते, वो अरबों रुपए ये मैं कहूँगा इमरान खान साहब आपके अकाउंट में जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि किसी को वो पैसे नहीं मिल रहे, आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, जो 1000 दे रहे हैं आप 500 दें, डायरेक्ट खाद पर दें, वो हर किसान ने इस्तेमाल करनी है, तो इस तरह की जो लोट मार है ना ये इनकी मुनापली, इनकी ये ज़रात की तबाही की सबब बन रही है। इसी तरह बीज का मसला है जो आजकल हाईब्रिड का इन्होंने ड्रामा किया हुआ है कि उसके लिए बुकिंग करें, भाई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी जो उनका रेट है वो किसान को दें, मुतलका डीसी की जिम्मेदारी है कि उसका लसन से मनसूख करे जो ब्लैक में बेचता है, लेकिन इन्होंने चूँकि डबल करके वो पैसे कौन कौन बांटता है, इसका सवाल हर ज़िले का डीसी साहब ही दे सकता है कि ये जो इतनी ज़्यादा जो ब्लैक में बीज बिकता है जैल, ये कानून नहीं है कसूरी साहब, हमने बेशुमार FIRें जाली बीज वालों के खिलाफ कराई हैं, जाली खाद वालों के खिलाफ कराई हैं, मुझे कोई बता दे किसी की जजा सजाई हो, जाली पेस्टिसाइड वालों के सैंपल जो होते हैं वो कभी रिजेक्ट ही नहीं हो, जाली साबित नहीं हो, अगर हो जाए तो उसको 20 रुपये जुर्माना करते हैं, एक बंदे ने अगर मेरे किसान से अरबों रुपये लूट लिया अगर वो उसमें से 1,00,000 रुपया दे देगा उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमने बहुत ज़्यादा मुकदमात किए हैं, ये मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बताएं आकर हमें किसानों को जवाब दें इन्होंने क्या किया उनके खिलाफ। अच्छा, ये जो गंदम है, गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने निकाला था 1800 रुपये समथिंग
ये था, तो ये गंदम ये क्या सीन है, इस पर भी ज़रा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि गंदम जो गवर्नमेंट है वो ख़रीद कुछ रेट से रही है और जो आगे जो दे रही है आवाम को वो कुछ रेट से दे रही है, ये क्या इसमें हकीकत क्या है? देखें, ये भी आपने एक बड़ा सा सवाल किया, ये एक इनके बहुत बड़ा ड्रामा था इनका, जो इसके दाएँ बाएँ इमरान खान साहब आपके बैठे हुए हैं ना, पिछली दफ़ा 1400 के हिसाब से गंदम हमसे ली गई और वही गंदम दाएं बाएं लोगों ने खरीद के बाहर भेजने के बहाने वही गंदम 8 दिन के बाद वापस हमें 2200 रुपए में दी, तो ये इसी तरह ये हुआ। तो फिर हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें हमारा बंदा भी शहीद हो गया एक, तो हमने ये मुतालबा किया था कि पूरे मुल्क में गंदम का रेट एक कर दो, 2000 रुपया कर दो या ये खादें सस्ती कर दो। तो इन्होंने वहाँ हमारे साथ वादा किया कि खादें सस्ती करेंगे और जो गंदम का रेट है वो 2000 कर दिया जाएगा। तो फिर इन्होंने जो लूट मार करनी थी, अब ये देखे शुरू हो गया ना, अब ये इन्होंने रेट जो है सूबों में मुख्तलिफ कर दिया, यहाँ पर 1800 कर दिया, अब मेरे किसान के घर में एक दाना भी बाकी नहीं है। तो अब कल का इन्होंने कुछ 80 रुपये रेट फी बोरी का बढ़ा दिया है, तो ये अब जो ही ख़त्म हो जाएगी, ये इनके किसान से ख़त्म हो, ये 2000 से ऊपर जाएगी। तो किसान को जब असल मुआवजा नहीं मिलता, किसानों ने गंदम भी कम काश्त की, अगर ये हुकूमत सही लाया अमल बनाती, किसानों को ऑन बोर्ड लेती, मीटिंग में मशावरत करते, हमको तरीका इनको बताते कि गंदम सस्ती करो, तो उसका ये तरीका है। लेकिन इन्होंने चूंकि डिमी हार चीज़ अपनी डिमी बना रखी है, हुकूमत भी इस टाइम डिमी चल रही है कसूरी साहब, तो ये डिमी जो काम है ये कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। मैं ये मुतालबा करता हूँ बार बार आपके चैनल में कि हुकूमत को होश के नाके लेने चाहिए, किसानों के मसाइल हल करने के लिए कमेटियों में इनको शामिल किया जाए ताकि ये मुल्क बेहतर हो। ये किसान जब तक इस मुल्क का बेहतर नहीं होगा, ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अगर मुल्क को खुशहाल कर, ये जितनी मर्जी सब्सिडियाँ दे, जो मर्जी कर दे, ये सारा इनका अपनी जमा तफरीक लूट मार है, ये किसान को खुशहाल करें, ये मुल्क खुद बहुत खुशहाल हो जाएगा। बेहद मशकूर हूँ कि आपके चैनल के तवसत से ये मैं अपना पूरे मुल्क के किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम हकीकी वारिस हैं इस मुल्क के, हम वो लोग हैं जो पूरे मुल्क को हर चीज़ मुहैया करते हैं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसाए हमारे इलाके के लोग कोई भूखा ना सोए। इस तरह पाक आर्मी के हम हमेशा छाना बछाना रहे हैं और उनकी वजह से हम पूरा मुल्क सो रहे हैं, हम हमेशा पाक आर्मी के साथ खड़े रहे हैं, और इस वक्त पाक आर्मी वाहद वो दारा है जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, और दूसरा इस मुल्क का किसान जो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है। तो मैं ये आपके चैनल से ये हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के पूरे किसान मजदूर चौधरी मोहम्मद अनवर की क़्यादत में मुतहद हो चुके हैं, और हमारे जायज़ मसले हल करना इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और पुरअमन एहतजाज करना हमारी ये हक बनता है, और हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। अगर हमारे ये जायज़ मुतालबात बजट आ रहा है, ये जिस तरह जाली ज़रिए अद्वियात हैं उनकी कीमतें हमारी पहुँच से बाहर, बीज हमारी पहुँच से बाहर और खादें हमारी पहुँच से बाहर, तो हम नहीं चाहते कि ये गंदम ये सब्ज़ियाँ फ्रूट महंगे हों, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये चीज़ें बिजली खाद ये सस्ती करें। तो अगर हुकूमत ने ये हमारे मसाइल हल ना किए तो ये बजट आ रहा है, हम पूरे मुल्क के अमर जो किसान मजदूर हैं पुरअमन एहतजाज करेंगे, और पूरा मुल्क में ये किसान निकलेंगे, तमाम तर हालात की जिम्मेदारी इस हुकूमत की होगी, क्योंकि हम इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं, मैं बार बार ये कह चुका हूँ। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है हमारे मसाइल हल करना, हमारा हमेशा ये कहा अगर कोई भी नजायज मसल हमारा मुतालबा है तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और आखिर में मैं आपका आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारी हमेशा आवाज़ बने हैं, अल्लाह मियाँ आपको इसका अजर देगा। और देखिए ये एक जो हमारी तंजीम है ये हक सच वाले लोगों की, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें जिस तरह आपने पहले भी कहा कि इसमें इंडिया के किसान भी हैं, पूरी दुनिया के हमारी जमात में मुस्लिम गैर मुस्लिम हर बरादरी के लोग हैं, हम अपने हक के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। बार बार ये मैं हुकूमत को बता रहा हूँ, हम ही वोट दे के आपको लेके आए थे, और इंशाल्लाह अगर हमारे मसले हल ना हुए तो हम किसान ही आपको उतारेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने भी इनको लॉलीपॉप ही दिए, अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इनको लॉलीपॉप देकर खामोश तो करवा देती है, लेकिन बिल आखिर इनका जो हक है, जो इनका हक बनता है, क्योंकि ये अपने हक पे खड़े हैं, जो इनका हक बनता है वो हुकूमत वक्त को देना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हमीद कसूरी को न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दें, इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।